हेलो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था। लास्ट टाइम में आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज की थी। आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कराते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है पहले ये जाननी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक्सक्लेम करने वाले कुछ शब्द आते हैं, जैसे हुर्रा, अलाज, ब्रावो, आहा। जैसे कहीं खुशी की बात होती है तो हुर्रा का यूज़ कर लेते हैं, दुख की बात होती है तो अलाज का यूज़ कर लेते हैं, आश्चर्य होता है तो सरप्राइज लगा देते हैं, आहा, व्हाट या हाउ वगैरह। तो अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में अगर खुशी की बात, प्रसन्नता की बात होती है, तब सेड या सेड टू उसकी जगह हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर दुख यानी शोक की बात होती है तब हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो। और अगर आश्चर्य की बात होती है तब हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और प्रशंसा यानी तारीफ की बात होती है तब हम लगाते हैं सिर्फ प्रेज्ड, या कहीं कहीं अप्लॉडेड का यूज़ होता है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सक्लेम विद वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कहाँ क्या यूज़ करें? तो अगर कोई सेंटेंस हुर्रा से स्टार्ट होता है तब आप लगाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय, और अलास से स्टार्ट होगा तो एक्सक्लेम विद सारो, और अगर आपका व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है तब आप लगाएंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और ब्रावो, ब्रावो के लिए हम लगाएंगे प्रेस्ट। दूसरी चीज़ कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यहाँ भी यूज़ करते हैं दैट। ये तो इनका इतना रूल हो गया। एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, हुर्रा द कप इज आवर्स। तो देखिए, जब हमने कहा था हुर्रा से स्टार्ट होगा तो खुशी की बात होती है तब हम यहाँ लगाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। फिर जब आपने एक्सक्लेम विद जॉय लगा दिया तब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इन्हीं के लिए ये लगा था। फिर हम सेंटेंस, तो सेंटेंस में टेंस जैसे बदलते थे वैसे ही बदलेंगे, प्रोनाउन जैसे बदलते थे वैसे ही बदलेंगे। द कप इज एमआर बदलता है वॉज या वर में, द कप वॉज, और आवर बदलता है देयर्स, आवर्स है तो देयर्स कर देंगे, आवर है तो देयर कर देंगे, सब्जेक्ट के लिए बदलता है, ठीक है। ये रूल है। एक सरप्राइज वाले कर लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। She said, comma inverted comma, what a fool you are। तो देखिए, हमने कहा था कि what या how से अगर start होगा तो ये आपका surprise वाले sentence हो जाएंगे, तब हम यहाँ लगाएंगे exclaim with surprise। She exclaimed
claimed with surprise that, फिर करते क्या हैं, सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यू है, तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिए बदलता है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो आप मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए शी सेड टू, अगर मी करते हैं तो यहाँ आई हो जाएगा, तो आई इज एम आर, तो वैसे ही वॉज या वर में जब बदलता है तो आई वॉज आ, और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो वॉट या हाउ है इनको हटा देंगे, और इनको हटाने के बाद वेरी या ग्रेट लगाते हैं, कहीं वेरी लगता है कहीं ग्रेट लगता है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो व्हाट या हाउ सरप्राइज हो रहे हैं, बात में दबाव है, गंभीरता है, तो उस कंडीशन में इसको हटा के हम वेरी या ग्रेट लगाते हैं, तो आई वॉज अ ग्रेट फूल, फूल के लिए ग्रेट लगता है। कभी कभी सरप्राइज वाले सेंटेंस में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट नहीं आता है, देख लेते हैं उसको भी। तो जब सब्जेक्ट नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, जैसे देखिए हम बोलेंगे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा में व्हाट अ गुड न्यूज़, देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप समझिएगा सब्जेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे, देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, तो जब अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हम सब्जेक्ट मान लेंगे, और सब्जेक्ट तब हम मानेंगे इट, और डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम हमेशा पास्ट टेंस में बनाते हैं, तो आप यहाँ लगा दीजिएगा वॉज, इट वॉज अ व्हाट या हाउ की जगह वेरी या ग्रेट लगाते हैं, तो इट वॉज अ वेरी गुड न्यूज, बस यही दो तीन रूल है, चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। द बॉयज सेड कॉमा एंड कॉमा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अनिल सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा अलास आई एम अनडन, शी सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा हाउ clever you are, he said comma inverted comma what a good idea, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो हुर्रा के लिए यहाँ क्या लगाते हैं, exclaim with joy, the boys exclaimed with joy that, हुर्रा भर जाएगा जब ये लग गया है, तो we हमेशा दे में बदलता है, वैसे फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के लिए बदलता है, has या have had बदलता है, won the match, alas दुख के लिए आता है, तो अनिल एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन है अनिल के लिए बदलेगा, तो ही लगा देंगे, इज एम आर वॉज वर्म बदलता है,
तो ही वॉज अंडन, अंडन मतलब होता है सर्वनाश। इस हमने कहा था व्हाट या हाउ सरप्राइज के लिए। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यू ऑब्जेक्ट के लिए बदलेगा, नहीं है तो मान लीजिए आई वॉज आ, आई वॉज वेरी क्लेवर, आई वॉज वेरी क्लेवर। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, समझिए सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हो तो सरप्राइज रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट मान लेते हैं इट, इट, और हमेशा पास्ट टेंस बनाते हैं तो वॉज आ, व्हाट या हाउ हटा के तो वेरी या ग्रेट लगाते हैं, तो इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। ये आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सारे टॉपिक आपके डायरेक्ट डायरेक्ट हो गए हैं, पैराग्राफ वाले कुछ सेंटेंस करा के इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।